तो फ्रेंड, जैसा हमने अभी पहले वाली वीडियो में किया, अब वैसे हम एक और एग्जांपल लेके करेंगे। जैसे हमने 14 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? इसमें हम अगर जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये सेकंड वाली टर्म होती है, ठीक है, सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर निकालते हैं। ये आ गया 16, ठीक है, साइड में हमने लिख दिया 16 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये टर्म है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि 11 से लेके 90 तक हम एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद जब 20 से स्टार्ट होगा तो हम उसको 2 से करेंगे, फिर जैसे ही 30 से स्टार्ट होगा उसको 3 से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे कि 14 × 1, ये हो गया 14, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि जो ये टर्म है इनको आपस में गुना कर देंगे, जो भी इनके नंबर दिए गए। तो 1 × 4, ये हो गया 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 14 + 4 हो गए 18, ठीक है, साइड में लिख देंगे 18। उसके बाद ये हमारी जो फर्स्ट वाली टर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है, और जो ये हमारे पास एक बच गया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 18 + 1, ये होगा 19, तो ये 14 का स्क्वायर है।